यस स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस। जेई एडवांस का पेपर या बिटसेट का पेपर आने वाला है। अब एडवांस का मेंस पेपर आप ऑलरेडी दे चुके हैं, अच्छा पेपर दिया है, अब एडवांस में कैसे अच्छी परफॉर्मेंस दें, अब ये हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि ये सेशन लेने का मेरा एक ही पर्पज़ है, आप लोग चाहते थे भी कुछ सेशन लूँ, कि आपका कहीं ना कहीं जो भी पॉसिबल हो प्रेशर रिलीव करूँ। बाकी याद रखिएगा कि एडवांस और मेंस में अगर कोई डिफरेंस है तो क्वेश्चन के पैटर्न, थिंकिंग ऑफ क्वेश्चन, अप्रोच ऑफ क्वेश्चन, यही डिफरेंस है, सिलेबस के टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप क्वेश्चंस का थोड़ा वैरायटी देखिए। आप देखिए जब आप एडवांस देंगे, अभी तक आप जो मेंस में देते थे वो सिंगल करेक्ट आंसर था, इसमें सिंगल करेक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, मैच द कॉलम हो सकता है, इंटीजर टाइप हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। तो हम एक एक वैरायटीज को पकड़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने बोले हैं उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, लेट एन बिलोंग टू एन सच दैट साइन पाई अपॉन टू एन प्लस कॉस पाई अपॉन टू एन इक्वल टू रूट एन बाय टू देन नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन बिटवीन 4 एंड 8 फॉर विच इक्वेशन इज ट्रू और एज और ऑब्लिक आर। क्या करेंगे क्वेश्चन को समझिएगा, और जो टेक्निक्स हमने मेंस में डेवलप की, आज बहुत सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, मेंस के बाद बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं एक ही बात बोलूँगा कि बस क्वेश्चन को देखने के बाद एक चीज़ हमेशा याद रखिए, चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, कंसेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और कंसेप्चुअली वीक हैं तो ही प्रॉब्लम आती है। इसलिए ट्रिक्स नहीं, कंसेप्ट पे वर्क करो, लॉजिक पे वर्क करो। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन पाई अपॉन टू एन प्लस कॉस पाई अपॉन टू एन इक्वल टू रूट एन बाय टू। कोशिश यही करेंगे, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर भी अच्छा आपको पता है, अगर कभी भी ऐसा लिखा हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू, मान लो ए है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वन प्लस साइन टू एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। जितनी स्टेप सेव करेंगे उतना फायदा होगा। स्क्वायरिंग अगर आप इसकी कभी भी करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा वन, टू साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा साइन टू एक्स, तो आपको बेसिकली ये मिलेगा वन प्लस साइन टू एक्स इक्वल टू ये ए स्क्वायर। इस सेम थिंग की अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है, वन प्लस साइन, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ क्योंकि रूट हटाना है, तो वन प्लस साइन टू से तो ये बचेगा पाई अपॉन एन इक्वल टू एन बाय फोर। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन पाई अपॉन एन इक्वल टू एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस, जब वन उधर ट्रांसफर होगा तो एलसीएम आ जाएगा, एन माइनस फोर अपॉन फोर। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको एन की वैल्यू यहां पर और यहां पर ऐसी रखनी कि सेम हो। सबसे पहले यहां पाई अपॉन एन है और बिटवीन फोर एंड एट ही बोला है, तो आप पहले लॉजिकली सोचिए कि फोर एंड एट मतलब फोर के बाद जैसे 5, 6, 7 इनमें से कोई नंबर रखते हैं। जैसे आपने सपोज 5 रखा तो 5 माइनस 1 1 बाय 4, तो ये पाई अपॉन 5 की वैल्यू 1 बाय 4 नहीं होती, रिजेक्ट हो गया। अब आपने रखा सपोज 6, तो आपने अगर मान लीजिए 6 रखा तो 6 माइनस 4 कितना हुआ 2 बाय 4 यानी 1 बाय 2। यहाँ 6 रखिए तो साइन पाई बाई 6 इज ऑल्सो 1 बाय 2 यानी 6 होगी। अब देख के समझ में आ रहा है 7 नहीं हो सकती, 8 नहीं हो सकती, यानी एग्जैक्टली 1 वैल्यू होगी। तो आपको दिखने में क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंट टाइप के दिखें, इसके अलावा और कोई भी चेंज होगा। और अगर आप वही बात हो गई कि आपने अगर 11th 12th अच्छे से पढ़ा तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कॉस ई पावर एक्स इक्वल टू 3 पावर एक्स प्लस 3 पावर माइनस एक्स इज, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एक बात समझिए, कॉस एक्स ई पावर एक्स भले ये, पर इसकी रेंज माइनस वन टू प्लस वन है। अगर लॉजिक से देखें तो 3 पावर एक्स है प्लस 1 अपॉन 3 पावर एक्स है। याद रखिएगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स की अगर कभी भी फॉर्म है, अगर मैं एक्स के प्लेस पे 0 भी रखूं तो 3 पावर 0 1 3 पावर 0 1 यानी 3 पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 3 पावर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। इसकी वैल्यू प्लस 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी इस केस में हम बोल सकते हैं सिंपली नो सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर विल बी 0, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और एक याद रखिएगा हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जिस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा वो करना है। और अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस की बात करूं तो इसमें बहुत ही, आप जो चाहते हो तो एक बेसिक क्विक रिवीजन भी हम कर लेते हैं कि बहुत ही बेसिक फॉर्मूले रिवाइज होने की, साइन एक्स जीरो हो तो एक्स इक्वल टू एन पाई, टेन एक्स जीरो हो देन अगेन एन पाई, क्योंकि जब साइन जीरो होगा जब ही टेन जीरो होगा, एंड सिमिलरली कॉस एक्स इक्वल टू जीरो या कॉट एक्स इक्वल टू जीरो हो तो एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू। एंड रिमेंबर इसके अलावा जो फॉर्मूले यूज होते हैं, बस साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा
देन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा, ये सब आपने क्योंकि अभी अभी आपने मेंस एग्जाम दिया तो ऑब्वियसली सब पढ़ा होगा। अच्छा, यहाँ प्लस हो तो प्लस आता है और माइनस हो तो माइनस। cos x इक्वल टू cos अल्फा, देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, प्लस के केस में, और माइनस के केस में 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस अल्फा। एंड नेक्स्ट tan x इक्वल टू, जब भी किसी टॉपिक का, अभी आपके पास टाइम है, रिवाइज करिए। आप हो सकता है एडवांस के साथ साथ बहुत सारे आप लोग ऐसे भी होंगे जो बिटसेट का एग्जाम देंगे, तो जो सिंगल करेक्ट आंसर वाले हैं वो तो आपको बिटसेट में हेल्प करेंगे, पर बाकी भी क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे भले ही वो मल्टीपल करेक्ट हो, क्योंकि जितना आपका लॉजिक, जितना आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मान लीजिए tan x इक्वल टू tan अल्फा हो, देन x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, प्लस पे प्लस, माइनस पर माइनस। इसके अलावा अगर कोई फॉर्मूला यूज होता है तो वो है साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। इन सभी का फॉर्मूला एक ही होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। कई बार कॉमन रूट्स भी पूछे जाते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल लॉजिक से कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी बहुत हेल्प कर सकता है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू, आपको बोला रूट ए प्लस रूट ए ए प्लस वन बाय ए, देन और x की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में बिलोंग कर रही है, देन सेट x कॉमा ए, मतलब x का वैल्यू बताना और a का कब ऐसा इक्वल होगा। एंड रिमेंबर, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मेथड के साथ पहले लॉजिक भी बताऊं, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि आपके सोचने का तरीका मैथ्स में जितना डिफरेंट होगा आप उतने ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि साइन एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स, ये क्विक रिविजन भी करते हुए चलेंगे हम, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी, केवल इतना ही हो तो इसका मैक्स वैल्यू होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू होता है माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर रूट लग गया तो माइनस पे नहीं जाना है, प्लस पे जाना है। तो अगर मैं देखूँ तो इसकी मैक्स वैल्यू है रूट टू और मिनिमम वैल्यू है माइनस रूट टू। तो रूट टू पे अगर हम जाएँ तो, और वैसे भी आपको पता है ए प्लस वन बाय ए की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू टू होती है, अभी करा था इस तरह का क्वेश्चन। तो इसका मतलब अगर ए के प्लेस पे मैं वन रख दूँ तो मुझे रूट टू मिलेगा, और एक्स के प्लेस पे पाई बाई फोर रख दूँ तो रूट टू मिलेगा, यानी करेक्ट आंसर होगा पाई बाई फोर टू वन। यानी आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी इजीली बता सकते थे। इस बार मेंस में भी कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो ऑप्शन से बता सकते थे। तो आपने पाई बाई फोर रखा तो वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू, दिस इज रूट टू एंड ए के प्लेस पे वन रखा, तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन आप देखें तो नहीं हो सकता, राइट right? क्योंकि जैसे अगर आप कोई और रखेंगे, टू तो हो ही नहीं सकता था ए का वैल्यू, क्योंकि टू प्लस समथिंग इज ग्रेटर देन टू, ये पॉसिबल नहीं था, ये दो हो नहीं सकते थे। थ्री पाई बाय फोर रखते तो एक्चुअल में ये जीरो हो जाता, तो ये भी नहीं। यानी जब भी आप आंसर से करें तो मैं हमेशा एक बात बोलूँगा, जब कभी भी ऑप्शन पे जाएं तो आप ये मत देखिएगा कि राइट कौन सा, बल्कि ये देखिएगा कि थ्री रॉन्ग कौन से, कंसेप्चुअली थ्री रॉन्ग कौन से। जहाँ पर ये कमांड आ गया वहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, राइट नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है r इक्वल टू वन टू r इक्वल टू एन, समेशन के साथ है cos r स्क्वायर x इंटू साइन आर एक्स इक्वल टू वन, क्या वैल्यू होगा इसका इक्वल टू वन, तो आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दें तो cos और साइन दोनों हैं, यहाँ पर r स्क्वायर x है, यहाँ पर r x है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में मैं ऑप्शन इसलिए भी लिख रहा हूँ कि ऑप्शन भी हेल्प करते हैं, पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको इसका फायदा कैलकुलस में मिलेगा और ओवरऑल मैथ्स में मिलेगा। अब यहाँ पर हम चाहें तो एक फॉर्मूला यूज करें, तो टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, राइट, क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी। तो अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो 1 बाय टू बाहर लिख सकता हूँ, समेशन r इक्वल टू वन टू r इक्वल टू एन साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी जब करेंगे तो देखिए क्या होगा, आर एक्स प्लस आर स्क्वायर एक्स प्लस साइन ए माइनस बी करेंगे तो आर एक्स माइनस आर स्क्वायर एक्स, ऐसा मिलेगा, दिस इक्वल टू वन। अब समझिएगा, फिर लिमिट हम लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम चाहें तो वन, ये वन बाय टू का टू भी वहाँ लिख सकते हैं, तो एक तरह से मुझे ऐसा मिला r इक्वल टू वन टू r इक्वल टू एन साइन, मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ आर एक्स कॉमन ले लूँ तो वन प्लस आर, यानी ऐसा बोल सकते हैं r इंटू वन प्लस आर एक्स,
माइनस प्लस सॉरी प्लस ऑफ प्लस की जगह काम करते हैं क्योंकि आर स्क्वायर माइनस में तो माइनस भी ले सकते हैं, माइनस ऑफ साइन आर अगर कॉमन ले लें तो आर माइनस वन इन टू एक्स दिस इक्वल टू टू, राइट। समझिएगा क्या किया आपने, माइनस एस का बाहर निकाल दिया, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब एक चीज बताइए आप मुझे कि यहां पर अगर मैं आर के प्लेस पर वन पुट करूं तो क्या होगा, अगर आपने आर के प्लेस पर वन पुट किया तो आपको मिलेगा 1 इंटू टू यानी 2x माइनस साइन 0 प्लस। अब आप जब रखेंगे 2 तो क्या मिलेगा, देखिए जब आप 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू थ्री 6x माइनस ऑफ साइन 2 रखा तो 2x, समझते हो चलेगा। फिर जब आप 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, जब आप 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा साइन 3 इंटू फोर 12 साइन 12x माइनस 3 इंटू टू 6x। अब देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये साइन 2x है, ये साइन 2x कैंसिल, इस साइन 6x से साइन 6x कैंसिल, यानी सब कैंसिल होते जाएंगे, केवल एक ये फर्स्ट फैक्टर और एक लास्ट फैक्टर ऐसा होगा जो बच जाएगा क्योंकि बाकी सब कैंसिल होंगे। तो लास्ट फैक्टर होगा क्या, तो लास्ट फैक्टर में जब n रखेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा साइन n इंटू n प्लस 1 इंटू x माइनस साइन n इंटू n माइनस 1 इंटू x, इस तरह के क्वेश्चन आपने किए, दिस इक्वल टू 2, सारे फैक्टर कैंसिल, तो आपको लॉजिकली क्या बचा, जब ये सिग्मा हट जाएगा जब ये लगा देंगे तो आपको मिला साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आपको केवल ये मिल गया कितना साइन n इंटू n प्लस 1 x, राइट। ये आपको एक तरह से ये पूरा फाइनल होके रिजल्ट मिला साइन n इंटू n प्लस 1 बाय x, दिस इक्वल टू 2, क्लियर है बात। अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखिएगा, यहां पर 2 था क्वेश्चन में, तो 2 था तो ये 1 बाय 2 नहीं आएगा क्योंकि अगर क्योंकि यहां पर ऐसा होता जो दिया हुआ क्वेश्चन है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो याद रखिएगा ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती, तो इसका मतलब ये 1 ही है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, वो मैंने वाई चांस ध्यान नहीं दिया, तो यहां पर 1, यहां पर 2 था इसलिए ये पूरा क्वेश्चन ऐसा हो गया। अब यहां पर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, अब ये n के टर्म में है तो साइन x इक्वल टू, अगर साइन अल्फा है तो x इक्वल टू n पाई की जगह आप p पाई भी लिख सकते हैं, राइट, n की जगह आप p पाई भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कि आपने लिखा p पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे n इंटू n प्लस 1 इंटू x इक्वल टू कितना, ये 1 है तो p पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 2, राइट। अब आप एक काम ये कर सकते हैं, यहां पर भी p लिखिएगा जिससे कि कोई मिस्टेक आपसे ना हो, क्लियर है बात। अब इसका मतलब आप इसे चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन मात्र एक ऐसा टॉपिक है जिसमें यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होते, यूनिक से मतलब आंसर्स में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, हम वैल्यू रख के भी क्रॉस चेक कर सकते थे, इनफैक्ट इनिशियल लेवल पे भी वैल्यू रख के, वो भी बताऊंगा, पर मेथड एक बार सिखाना जरूरी था। अब एक तरीका यह हो सकता था और एक तरीका और हो सकता था कि ये ऐसा है n इंटू n प्लस 1 x इक्वल टू 1, अब देखिए साइन 1 कब होता है, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे n इंटू n प्लस 1 x इक्वल टू 2p पाई प्लस पाई बाई 2, राइट, हर 2π के बाद पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 मिलेगा, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, यानी एक तरह से n इंटू n प्लस 1 x इक्वल टू, ये सब चीजें देखिए आप अच्छे से, तो 4p प्लस 1 बाय 2 इंटू पाई, अब आप इसमें n इंटू n प्लस 1 का डिवाइड कर दीजिए तो 4p प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 n इंटू n प्लस 1, देखिए ये आ गया, यानी ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। अभी मैं आपको इसको ऑप्शंस के तरीके से भी बताऊंगा कि आप ऑप्शन से करते तो क्या करते, आप यहां पर वैल्यू भी रख सकते थे जाके, जैसे आपने सपोज p की वैल्यू 0 ले ली और n की वैल्यू 1 ले ली, तो n की वैल्यू 1 लेने पर आपको यही की इक्वेशन मिलेगी, वो भी समझाता हूं, तो आपको यहां पर आंसर मिल गया x इक्वल टू 4p प्लस 1 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, राइट। अब सपोज इस क्वेश्चन को मुझे मान लीजिए ऑप्शन से करना होता तो मैं क्या करता, तो ऑप्शन से करना होता तो मान लीजिए p तो वैल्यू होती है, p की वैल्यू 0 रखी और n की जगह आपने रखा 1, तो p की वैल्यू 0 रखी n की जगह रखा 1, तो ये मिला आपको 1 अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2, मतलब लॉजिकली पाई बाई 4। अब समझिए जब आपने n की वैल्यू 1 ली तो एक ही मिलेगा, यानी आपको ऐसा मिलेगा r की जगह आपने रख दिया कितना 1, तो आपको ऐसा मिलेगा cos
x into कितना हो जाएगा cos x into r की जगह आपने लिया है कितना 1, मतलब एक वैल्यू रख रहा हो 1, तो cos x into sin x into ये 2b था आगे। अब आपने रखा पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 1/√2 1/√2, देखिए 2 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल तो 1 आ गया। यानी आप इनिशियल स्टेप में भी ये काम कर सकते थे, बिल्कुल p के प्लेस पे 0 रख के ये काम किया जा सकता था, p के प्लेस पे 0 और n के प्लेस पे 1 या 2 रख के ऑप्शन से कर सकते थे। पर इस क्वेश्चन का मेथड भी समझाना जरूरी था कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो मेथड से कैसे करेंगे और लॉजिक या ऑप्शन से कैसे करेंगे। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसका एक आंसर ये भी हो सकता था, एक आंसर ये भी हो सकता था, और लॉजिक से कैसे करना है वो बता दिया। और याद रखिए, क्योंकि 0 से 2 पाई में, 0 टू 2 पाई में साइन पाई बाई 2 एक ही जगह होता है। अगर 1/2 बोले तो पाई बाई 6 पे भी होगा, 5/6 पे भी, पर पाई बाई 2 एक ही जगह होगा पाई बाई 2 पे, और हर 2 पाई की साइकिल के बाद मिलेगा। इसलिए आपने यहां पर याद रखिए, कभी भी 1 लिखा हो तो इसको आप लिख सकते हैं 2n पाई प्लस पाई बाई 2। राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन √3 - 1 साइन थीटा प्लस √3 + 1 कॉस थीटा इक्वल टू 2। देन थीटा आपसे पूछा है क्या होगा, आप इसमें ऑप्शन की हेल्प बिल्कुल ले सकते थे। अगर आप एन के प्लेस पे 0 रख दें तो ये पाई बाई 12 है, बट आपको पाई बाई 12 की वैल्यू या तो याद होना चाहिए, पर मेथड से करने में भी टाइम नहीं लगेगा, तो क्यों ना हम इसको पहले मेथड से करें। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की अगर फॉर्म हो तो इसका तरीका होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई डिवाइड करना। यानी √3 - 1 और √3 + 1 के स्क्वायर का जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको ऐसा मिलेगा। देखिए, अब ये स्पीड आपकी, ये सब मेंटल करना है आपको काम। ये कितना होगा, तो ऑब्वियसली होगा 2 × 3 + 1 यानी 2√2। तो 2√2 का आपको डिवाइड करना है, दिस इज साइन थीटा प्लस √3 + 1/√2 कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। अब याद रखिएगा, अगर हम ध्यान दें तो √3 + 1/√2 या √3 - 1/√2 ये होती है, ये cos 12 डिग्री 15 डिग्री की वैल्यू है, √3 + 1/√2 और राइट ये कितने डिग्री, पाई बाई 12 है, हाँ 15 डिग्री की वैल्यू है, और ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू है यानी पाई बाई 12 √3 - 1/√2। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसे बहुत ईजिली 45 - 30 से वेरीफाई कर सकते हैं, और इसे भी 45 - तो इसका मतलब ये एक तरह से हम इसको ऐसा लिख लें, cos थीटा cos पाई बाई 12 प्लस साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 12 इक्वल टू cos पाई बाई 4। ये बन गया cos थीटा माइनस पाई बाई 12 इक्वल टू cos पाई बाई 4, देन थीटा माइनस पाई बाई 12 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, और ये इधर चला गया तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।